आज हम देख रहे हैं किया सेल्टोस GTX प्लस 1.5 लीटर में टर्बो पेट्रोल देख रहे हो आप। डीसीटी ट्रांसमिशन है, व्हाइट कलर देख रहे हो, मोनोटोन में ड्यूअल टोन भी हमें मिल जाता है। फेसलिफ्ट वेरिएंट है, रिसेंटली 2023 में लॉन्च हुआ था ये, और 19,99,900 एक्सशोरूम प्राइस आ जाते हैं इसके हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। बाकी आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां के प्राइस भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। मोनोटोन में व्हाइट कलर देख रहे हो, इसमें जिन जो गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं उन्होंने काफी एक्सेसरीज डलवाई है, इसमें गार्निश ट्रीटमेंट काफी लिया उन्होंने, दिखाऊंगा आपको। जैसे ORBMs पे, डोर्स पे, नीचे काफी चीजें लगवाई हैं, वो भी हम देखते चलेंगे। बट GTX प्लस में हमें फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं 2023 में आके DCT के अंदर, वो देख लेते हैं हम। मैं बता चुका, मोनोटोन है, व्हाइट कलर है, कुछ इस तरह की मिल जाती है। ये लॉक अनलॉक प्रेस करके रखेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए। काफी प्रीमियम की मिलती है किया सेल्टोस के हर वेरिएंट में हमें देखने के लिए, जैसे कुछ फीचर इन्होंने वो कर दिए स्टैंडर्ड की वगैरह से लेके, एयरबैग वगैरह से लेके काफी चीजें ऐसे स्टैंडर्ड कर दिए। तो आ जाते हैं गाड़ी के फ्रंट पे, यहाँ रेन सेंसरिंग वाइपर्स दिए हुए हैं, यहाँ आपको अडास वगैरह के लिए सेंसर पॉइंट किया हुआ है इस जगह पे, जिसमें हमें अडास 2 मिल जाता है। रेन सेंसरिंग वाइपर्स है विद 2 वॉशर 2 वाइपर, कुछ इस तरह से बोनट भी आ जाता है। किया का न्यू लोगो, ग्लोसी ब्लैक में ग्रिल मिलती है, इसकी गार्निश ट्रीटमेंट मिल जाता है हमें काफी प्यारा, जो DRLs के कनेक्ट करते हुए इस जगह से ऊपर आपको मिलेगा, हेडलैम्प यूनिट को कनेक्ट करते हुए DRLs इसके मिड ग्रिल तक मिल जाते हैं, रेडिएटर ग्रिल तक आपको DRL का पार्ट देख रहे होगे आप। इस तरीके से फ्रंट कैमरा मिल जाता है क्योंकि 360 डिग्री के लिए, इसलिए इसमें हमें टोटल 4 कैमरे मिल जाते हैं। नीचे भी गार्निश बीडिंग मिल जाती है, 4 पार्किंग सेंसर पॉइंट किए हुए हैं ग्लोसी ग्रे, इसमें आपको नीचे स्किड प्लेट का ट्रीटमेंट मिल जाएगा लोअर बम्पर में, यहाँ पे इन्होंने अडास डाला हुआ है क्योंकि जब फेसलिफ्ट वेरिएंट आया था उसी के अंदर हमें अडास अवेलेबल कराया गया था। इससे पहले किया सेल्टोस में हमें अडास नहीं मिलता था, क्योंकि कुछ फीचर्स ने किया ने ऐसे स्टैंडर्ड कर दिए वेरिएंट्स को लेकर, जो कि हमें बेस वेरिएंट से देखने के लिए मिल जाते हैं। फॉग लैंप्स में LED बेस, आइस क्यूब टाइप में 4 सेंसर वो मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स आइस क्यूब में 4 पीस में आपको LED बेस फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। ऊपर यहाँ आपके इंडिकेटर्स हैं, ये DRLs हो गए, 3 बैरल LED बेस हेडलैम्प यूनिट मिल जाती है, और इंडिकेटर आपका सीक्वेंस में वर्क करेंगे जब आप गाड़ी टर्न करेंगे उस टाइम पे। कुछ इस तरह से अलॉयज मिल जाते हैं, फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, क्लैडिंग का पार्ट सराउंडिंग मिलेगा आपको देखने के लिए। यहाँ पे देखो सराउंडिंग क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा, फेंडर पोते हुए कोई आपको लाइटिंग वगैरह नहीं मिलती। यहाँ ये सेल्टोस देख रहे, ये भी एसेसरीज का पार्ट है दोनों डोर्स पे। ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टोल मिलेंगे विद इंडिकेटर, ये गार्निश भी एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे 360 डिग्री के लिए कैमरा मिल जाता है आपको ORBM में, ABC तीनों पिलर ब्लैक मिलेंगे, डोर वाइजर रेन वाइजर जो भी है बोल सकते हो आप, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड पे सेंसर नहीं है, बाकी डोर हैंडल्स इसके गार्निश में ही है। नीचे लोअर पार्ट पे भी आपको डोर्स के गार्निश देखने के लिए मिल रही होगी, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। बाकी क्लैडिंग का पार्ट और थोड़ा सा क्लैडिंग का पार्ट आपको डोर्स पे भी देखने के लिए मिल जाता है। गाड़ी फ्यूल लाइट इस साइड है, गाड़ी अंदर से ही अनलॉक करना होगा फ्यूल लाइट, अगर गाड़ी अनलॉक हो तो ये अनलॉक नहीं होगा। क्वार्टर पैनल पे ग्लास मिल जाता, ये बीडिंग मिल जाती है गार्निश जो कि फ्रंट से स्टार्ट होते हुए क्वार्टर पैनल तक आ रही है। बाकी यहाँ से को ड्राइवर साइड भी आप गाड़ी का पूरा देख सकते हैं। अब आ गए गाड़ी के रियर लुक पे, कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं, इसमें हमको काफी अच्छे कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं, बीच में किया की बैजिंग दी हुई है, किया कनेक्ट का फीचर, रियर डिफॉगर वाइपर विद वॉशर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर भी इसका ब्लैक है, शार्क फिन एंटीना। यहाँ से रियर लुक आप देख सकते हैं गाड़ी का, यहाँ रिवर्स कैमरा आपका, कनेक्टेड टेल लैंप्स है, ये जो आप बीडिंग देख रहे हैं ये पूरी ऐसे जा रही है टेल लैंप्स से होते हुए, ये भी शायद एसेसरीज का ही पार्ट है क्योंकि नीचे काफी गार्निश है। इस गाड़ी में गार्निश काफी लगवाई गई है, जो भी परचेज कर रहे हैं उनको शायद गार्निश काफी अच्छी लगती होगी। यहाँ सेल्टोस की बैजिंग, यहाँ पे GT लाइन की बैजिंग की हुई है इस जगह पे। नीचे डुअल लुक में इसके एग्जॉस्ट पाइप दिए हुए हैं, ग्लोसी ग्रे ट्रीटमेंट मिलेगा, 4 पार्किंग सेंसर पॉइंट किए हुए हैं, यहाँ पे रियर डिफॉगर दिए हुए हैं, रियर डिफॉगर बोल गया मैं, रियर फॉग लैंप्स दिए हुए हैं रिवर्स करने के लिए, एग्जॉस्ट पाइप इसमें 2 दिए हुए हैं, अब 2 हैं या नहीं है, हाँ 2 ही एग्जॉस्ट पाइप दिए हुए हैं। बाकी बम्पर में बॉडी कलर का ट्रीटमेंट भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, या जो फॉग लैंप्स है उनके सराउंडिंग।
कनेक्टेड टेल लैंप्स दिखा चुका, यहाँ इंडिकेटर हो गए, नीचे आपके स्टॉप लैंप्स है। अब यहाँ से आप गाड़ी का ड्राइवर लुक भी देख सकते हैं, डोर हैंडल आपके गार्निश में, ये ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, वो फीचर मिल जाता है। गाड़ी लॉक करोगे वो आरबीएम फोल्ड हो जाएंगे, वेलकम फीचर। गाड़ी अनलॉक करोगे वो आरबीएम आपके अनफोल्ड हो जाएंगे, ये वेलकम फीचर है। स्टार्ट कर लेते हैं बूट स्पेस से ही, तो यहाँ पहले इसका बूट गेट ओपन कर लेते हैं हम, ये बूट गेट ओपन हो चुका है। पार्सल ट्रे मिल जाती है, और भाई मैटिंग कितनी प्यारी कराई गई है जिन्होंने भी गाड़ी परचेज करी है। यहाँ आप देख रहे हो ये लाइट है, और पूरा बूट कितने अच्छे तरीके से कवर्ड कर दिया गया है, ये काफी प्लस पॉइंट है शोरूम की तरफ से। यहाँ आपका स्पेयर व्हील विद टूल्स, बाकी ये फिक्स नहीं किया गया, इसमें आपको वो चिपकने वाला जुगाड़ मिल जाता है, जैसे खींचने और बंद करने वाला वो मिल जाता है। पार्सल ट्रे है एडजस्टेबल, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं पैसेंजर सीट्स पे, यहाँ डोर ओपन कर लेते हैं। ऊपर आपको कर्टन मिल जाता है पैसेंजर डोर पे, यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए बॉस की बैजिंग की हुई है स्पीकर्स पे, ग्लास अप डाउन करने के लिए पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट, वाटर बॉटल स्पेस, सेल्टोस की स्कफ प्लेट लगी हुई है। यहाँ पे तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 60-40 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ, बीच में आर्मरेस्ट विद टू कप होल्डर, एसी वेंट, टाइप सी दो चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे स्मार्ट प्योर एंड वायरस प्रोटेक्शन की स्क्रीन चलती है आपका एयर प्योरिफायर की, बाकी बॉस की बैजिंग है। फ्रंट देख सकते हैं, अब आ जाते हैं ड्राइवर डोर पे। जैसे बताया मैंने, ड्राइवर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। यहाँ डोर ओपन करेंगे तो वही डुअल टोन में पूरा इंटीरियर है, ये डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ओआरबीएम कंट्रोल यूनिट, चारों पावर विंडो है, ये चाइल्ड लॉक के लिए, ड्राइवर टीम हमारे सॉफ्टवेयर में मिलेगा, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, सेल्टोस की स्कफ प्लेट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिल जाएगी इस साइड हमें, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड भी एक बार देख लेते हैं उस साइड इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है या नहीं है। इस साइड कोई इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं है, ड्राइवर साइड ही आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट सीट्स मिलेगी, जहां आप अपना इसके रिक्लाइन वगैरह भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, 6 एयरबैग मिल जाते हैं टोटल इसमें, जीटी लाइन की बैजिंग है सीट्स पे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ब्रेक एक्सीलेटर, डेड पैंडल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, आइडल ऑन ऑफ, ट्रैक्शन ऑन ऑफ और हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए, एसी वेंट, सराउंडिंग ग्रे का ट्रीटमेंट है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, भाई अब आ चुका हूं मैं गाड़ी के अंदर, तो यहां से गाड़ी का इंटीरियर देख लो, स्टीयरिंग लेदर रैप है, बट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं पहले, स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। तो भाई ये तो हो चुकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, अब स्टीयरिंग देख लो आप, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, यहाँ भी जीटी लाइन की बैजिंग है, ये ग्लोसी ग्रे मिलेगा आपको, लेदर रैप स्टीयरिंग है, अच्छी ग्रिप दी हुई है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, यहाँ आपका क्रूज कंट्रोल वगैरह, लैंड असिस्ट और डैंड डिपार्चर वगैरह के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पैंडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, ऑटो हेडलैम्प्स हैं, ऑटो ही वाइपर्स हैं इसमें, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन है तो रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार इसका ऑन कर लेते हैं, मीटर किस तरह का मिल जाता है इसमें हमें, ये कर देते हैं इसे बंद। बाकी काफी प्यारा एनिमेशन आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, एक बार इंडिकेटर देखे देख लेते हैं, नहीं वह तो इसमें नहीं है, 360 डिग्री वाले में जो इसमें आ जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए। बाकी कुछ इस तरह से आपको यहाँ डिस्प्ले मिल जाएगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जिसमें टीपीएमएस फिलहाल ऑन है, यहाँ पे आपका लेन असिस्ट वगैरह के फीचर्स मिल जाते हैं, डायरेक्शन मिल जाती है, टीपीएमएस मिल जाता है, ये आपका गाड़ी बनी हुई आ रही है यहाँ पे। बाकी पार्किंग पे तो वो आ रहा है, ये जो फ्रंट का रहता है उसके लिए क्रम्पल जोन वगैरह में कुछ अगर गाड़ी आपका टकराती है फ्रंट से, तो उस चीज की वार्निंग वगैरह देने के लिए यहाँ पे आपको पॉपअप दिखाई दे रहा है, मैं डिस्प्ले पे डाल देता हूँ, भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं उसे। बाकी यहाँ बैटरी वगैरह का, इस साइड इंजन टेम्परेचर गेज है, यहाँ आपका फ्यूल गेज है, ऑटो होल्ड मिल जाता है वो भी शो रहा है इसमें, यहाँ आपका नॉर्मली माइलेज शो करेगा कितनी माइलेज आपकी गाड़ी दे रही है रफली, कुछ इस तरह से यहाँ पे सब बूफर मिल जाता है, और ये आपका हो गया म्यूजिक सिस्टम। बाकी पूरा ब्लैक इंटीरियर है जीटी एक्स प्लस का, इसे कर देते हैं हम कैंसिल लेटर करके, इसको कर लेते हैं एक बार ऑन। इसमें हमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका मिल जाता है, जो आपका वायरलेस है। बाकी काफी प्यारी डिस्प्ले मिल जाती है दोनों, 10 इंच का म्यूजिक सिस्टम की डिस्प्ले मिल जाती है, हजार लाइट का बटन, यहाँ दो वेंट्स हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स मिलते हैं इसमें हमें, यहाँ फिजिकल बटन दिए हुए हैं नेविगेशन वगैरह के,
इस जगह पे वायरलेस चार्जर मिल जाता है आपको, एक बार लाइट ऑन कर लेते हैं, ये वायरलेस चार्जर मिल जाता है GTX में, लाइट दिख रही होगी आपको वायरलेस चार्जर की, बाकी गियर कंसोल में जगह मिल जाती है, USB चार्जर मिल जाता है यहाँ पे, 12 वोल्ट का एक आउटपुट मिल जाता है इस जगह पे, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, ये कुछ स्टार्टिंग से मिलता रहा इस तरह का गियर कंसोल में सेल्टोस के अंदर। ये गियर लीवर हो गया आपका, यहाँ शिफ्ट लॉक हो गई, ये आपका वही ड्राइविंग मोड है। ट्रैक्शन में आपको स्नो, मड और सैंड तीन मोड्स मिल जाते हैं, और अगर आप ड्राइव पे करते हैं तो इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स तीन मोड यहाँ मिल जाते हैं आपको। वेंटिलेटेड सीट्स हैं दोनों, यहाँ व्यू के लिए 360 डिग्री व्यू आप यहाँ से प्रेस करके देख सकते हैं, और रियर व्यू भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ 2 कप होल्डर्स में आपको शटर मिल जाता है, इसे आप बंद भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाता है, ये ऑन किया हुआ है, ये आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर इसकी नोटिफिकेशन देख पाएंगे, पॉपअप ऑन ऑफ का दोनों का। यहाँ कुछ इस तरह का आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद स्टोरेज, और इसी के नीचे ये आवाज सुन पा रहे होगे आप, ये प्योरीफायर की आवाज आ रही है यहाँ पे। ग्लोव बॉक्स में कुछ इस तरह की स्टोरेज मिल जाती है यहाँ पे, ऊपर ऑटो डिमिंग IRBMs दिए हुए हैं इस जगह पे, यहाँ सनग्लास होल्डर है, 2 रीडिंग लाइट्स है व्हाइट, सनरूफ खुला हुआ है, कर्टन खुला हुआ है, बाकी सनरूफ काफी बड़ा मिल जाता है, रूफ पूरी ब्लैक दी हुई है इसकी, तो बताना रूफ पूरी ब्लैक दी हुई है, ये पूरा फ्रंट हो चुका है इसका। अब एसएसएस मोड कर देते हैं इसका ऑफ, गाड़ी से आ जाते हैं बाहर, ये सब चीज तो आप देख चुके हैं, अट्रैक्शन ऑन ऑफ वगैरह, चाबी ले ली है मैंने हाथ में, कभी भूल जाऊं यार, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस है वो मैं डिस्प्ले पे मेंशन कर रहा हूँ, बाकी गाड़ी का साइड प्रोफाइल से आप गाड़ी फिर से देख सकते हैं। मिड साइज SUV में आपका इस गाड़ी को लेकर क्या ओपिनियन है, कैसी आपको गाड़ी लगती है, कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।